नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र की राजनीति में दशकों का सफर तय करने के बाद प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 70 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रणब मुखर्जी को सियासत में लाई थी। प्रणब मुखर्जी जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। इसके पहले उन्होंने वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली थी। साल 2004 से 2012 तक केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में उन्हें प्रमुख संकट मोचक माना जाता था। मगर इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या प्रणब मुखर्जी के लिए मानो मुसीबत का सैलाब लेकर आई। उनका राजनीतिक करियर चौपट हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या के समय प्रणब मुखर्जी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में एक थे। सरकार में उनकी हैसियत नंबर दो की थी, ऐसा कहा गया। और शायद स्वयं प्रणब दा को लगा कि प्रधानमंत्री की इस आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्हें इस पद पर लाया जाना चाहिए, कम से कम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी की मृत्यु के अगले ही दिन संसदीय दल की बैठक बुलाए बगैर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। प्रणब मुखर्जी की इस क्षणिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उन्हें राजीव गांधी से दूर कर दिया। वो सरकार में मंत्री नहीं रहे, उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पश्चिम बंगाल भेज दिया गया। इसके बाद प्रणब दा का राजनीतिक सफर हाशिए पर धकेल दिया गया। सन 2000 आते आते प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी के नज़दीक आ गए और उनके एक कदम विश्वस्त नेता बन गए। समझा जाता है कि राजनीति में सोनिया गांधी की शुरुआती पारी में वो उनके एक तरह से मुख्य सलाहकार यानी मेंटर बन गए। उन्होंने सोनिया गांधी का साथ अंत तक नहीं छोड़ा। आम चुनाव 2004 में प्रणब मुखर्जी पहली बार लोकसभा सदस्य बने। पश्चिम बंगाल के जंगीपुरा से चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन एक बार फिर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। प्रधानमंत्री का पद उनके पास आकर दूर चला गया। सोनिया गांधी ना खुद प्रधानमंत्री बनी, ना ही राहुल गांधी को बनाया। उस समय एक बार फिर प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से थे। वो सबसे ज्यादा अनुभवी थे, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, योजना आयोग में उपाध्यक्ष रह चुके थे। लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना और प्रणब दा एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। एक वो दौर भी था जब राजीव कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से दुखी होकर प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बना ली थी। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, लेकिन अपनी पार्टी के जरिए कोई खास असर नहीं दिखा सके। हालांकि जब तक राजीव गांधी सत्ता में रहे, प्रणब मुखर्जी राजनीतिक वनवास में ही रहे। इसके बाद 1989 में राजीव गांधी से विवाद का निपटारा होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।